सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने उचित दिनचर्या अपनाने का आह्वान किया है। सैजल ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग सहित उचित आहार व्यवहार सहित उचित दिनचर्या में रहना चाहिए। राजीव सैजल गत साय धन्वंतरी दिवस के मौके आरोग्य भारती संस्था द्वारा दीर्घायु विषय पर संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया व आरोग्य भारती के सचिव डॉक्टर लोकेश मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश हांडा, डॉक्टर एसएस परमार, डॉक्टर दिनेश गुप्ता सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने आरोग्य रहने के गुणों बारे प्रकाश डाला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि आरोग्य भारती संस्था पिछले कई वर्षों से लोगों को जीवन जीने का राह दिखा रही है। उन्होंने संस्था के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आयुर्वेदिक पद्धतियों पर चलना चाहिए। उन्होंने उचित दिनचर्या आहार व्यवहार पर बल देते हुए कहा कि यदि मनुष्य उचित खानपान आहार व्यवहार को अपनाता है तो वह स्वस्थ रह सकता है। आज का दिन जो है मैं ये समझता हूँ अपनी गौरवशाली परंपरा को स्मरण करने का भी दिन है। चिकित्सा शास्त्र अगर प्रारंभ किया तो भगवान धन्वंतरी ने प्रारंभ किया और आज प्रगत होकर के एडवांस्ड होकर के आज जिस भी रूप में ये पूरे विश्व में दिखाई देता है तो इसका प्रारंभ जो है वो भगवान श्री धन्वंतरी जी ने किया। और जब वो प्रकट हुए थे तो हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत कलश यानी अमृत यानी जिसमें रोगों को नष्ट करने की शक्ति हो ऐसा रसायन यानी चिकित्सा शास्त्र। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र का आदि पुरुष या चिकित्सा शास्त्र को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्तित्व जिनको जो है माना जाता है इतिहास में तो भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। उन्हीं के जन्म उन्हीं के इस दिवस को उनके प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। पीएलटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।